नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त अंकित। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दोस्तों आप एफएल स्टूडियो मोबाइल में जीएमएस पैटर्न किस तरीके से बना सकते हैं, वो भी दोस्तों कई तरीके का। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे आप सबसे नहीं देखें दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, थोड़ी सी भी स्किप ना करें। अपने वीडियो स्किप की तो आप जीएमएस पैटर्न अच्छी तरीके से अच्छी क्वालिटी में नहीं बना सकते। तो दोस्तों मैं इसमें जो है अपनी ओरिजिनल मास्टरिंग बताऊंगा कि कैसे कैसे मैं करता हूं, क्या क्या करता हूं। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ, ज्यादा बात ना करते हुए। दोस्तों मैं सिंपल से पहले क्या करना है, सिंपल से पहले हमें दोस्तों एक किक ले लेनी है, ठीक है। प्लस साइन पर क्लिक करता हूँ दोस्तों मैं। हमें पहले क्या करना है दोस्तों, एक ड्रम बना लेना है। ड्रम पर क्लिक करने के बाद हमें इस पर होल्ड क्लिक रखना है, कुछ इस तरीके से हम इस पर होल्ड क्लिक करेंगे, ये देखिए। फिर इसके बाद मैं अपनी फाइल में चले जाता हूँ। फाइल में जाने के बाद माई सॉन्ग में जाता हूँ, माई सैम्पल संदर 22, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरे होल पैक आ चुके हैं। सब पहले मुझे क्या करना है, एक किक लूँगा मैं इसमें। और दोस्तों आज चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन की घंटी बजा दें। इससे क्या होगा, जो मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पहले मैं एक हार्ड किक ले लेता हूँ, ये वाली, ये ऊपर वाली ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसको क्या कर लेता हूँ दोस्तों, फोर स्टेप पर कुछ इस तरीके से लगा लेता हूँ, ठीक है। फोर स्टेप पर लगाने के बाद दोस्तों क्या करना है, हमें किक के नीचे जो है हेड पेट क्लैप ये सब कुछ लगाना है, ताकि हमारी किक की जो क्वालिटी वो थोड़ी और अच्छी हो जाए, ठीक है। और दोस्तों अगर आप एफएल स्टूडियो मोबाइल में फुल मिक्सिंग सीखना चाहते हैं, इसका कोर्स करना चाहते हैं एफएल स्टूडियो मोबाइल का, तो दोस्तों मैं आपको पर्सनली सिखा दूंगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको सीखना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं क्या करना है, प्लस के अंदर पर क्लिक करना है, एक हेट ले लेनी है, हेट ले लेता हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, फिर दोबारा प्लस के अंदर पर क्लिक करना है, एक क्लैप और ले लेनी है, ठीक है दोस्तों। तो हम सिंपल सा एक क्लैप लेते हैं कोई, ये मैंने क्लैप भी ले ली। फिर इसके दोस्तों प्लस के अंगे पर क्लिक करना है, हम इसमें एक मिनट दोस्तों, हम कुछ और किक बेसिक ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हमको ले लेना है, ठीक है। जो ये हमारी किक बेसिक है, इसको हमें फोर स्टेप पर कुछ इस तरीके से लगाना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्लिक करना है, इसकी जो आवाज़ है हल्की मंदी कर देनी है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये हेड को भी यहाँ 4 नंबर पर लगा देना, और क्लैप को भी कुछ इस तरीके से किक के नीचे लगा देना है, ठीक है। अब थोड़ा सुनते हैं इसे, काफ़ी अच्छा हमारा जो है किक का पैटर्न वो दोस्तों बज रहा है, ये देखिए मैं आपको सुना देता हूँ सिंपल सा, ये देखिए। इसके बाद हम इसे थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। हम इसे 160 कर लेते हैं, देखिए। इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, हमें जो है हमें बनानी है दोस्तों तुम्हें जीएमएस जो बनानी है अच्छी तरीके से क्वालिटी में। अभी मैं इसकी मास्टरिंग बताऊँगा, ठीक है दोस्तों, मास्टरिंग में बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं क्या करना है, सिंपल से प्लस के एंगल पर क्लिक करना है, जीएमएस में जाना है, ठीक है। जीएमएस में जाने के बाद संत में जाते हैं, कोई भी एक जीएमएस ले लेनी है, जैसे कि मैं इसमें रुको, मैं अपनी फाइल में से कोई जीएमएस लेता हूँ दोस्तों, मेरे पास पड़ी हैं बहुत सारी जीएमएस, ये देखिए, बेसलाइन डबल वन मिनट दोस्तों, मैं इसको कट कर देता हूँ। अभी मैं कोई जीएमएस अपने अंदर से लेता हूँ, ठीक है। इसमें ज़्यादातर अच्छे लुप्स नहीं है, ये देखिए दोस्तों। मैं ये क्या करना है, सिंपल सा इस पर करना है, डायरेक्ट वे में जाना है माई सैंपल, मैं अपने सैंपल में दोस्तों जीएमएस ले लेता हूँ बेसलाइन में जाके, ये देखिए मैं इसे ले लेता हूँ, ये देखिए 4 नंबर जो है सब अच्छा बज रहा है। और ऊपर करके देख लेता हूँ, ये देखिए मैं इस पर लगा लेता हूँ दोस्तों, इसे कुछ इस तरीके से लगाना है दोस्तों, ठीक है। 4-3 4-3, और बाकी मैं अभी आपको बताऊँगा कि आपको कैसे कैसे करना है, ठीक है। ये देखिए इसे यहाँ से कट कर देते हैं, इसे थोड़ा सुनते हैं, ये देखिए इसमें हमें मास्टरिंग करनी होगी ताकि ये थोड़ी और अच्छी लगे, ठीक है। मैं क्या करना है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये हल्की सी रिले है, ये ओपन कर देनी है, ये देखिए। इसके बाद यहाँ पर प्रेस किंग पर क्लिक करना है रिवर्स, और इसमें क्या लेना है दोस्तों, हमें एक हाई बूस्ट और कर लेना है, जिससे कि हमारी जो जीएम से थोड़ी और अच्छी लगे, ठीक है। ये देखिए बनने के बाद हमें क्या करना है, इसके नीचे एक हमें दोस्तों स्नेल लगानी है, ताकि हमारी जो जीएमएस थोड़ी और अच्छी हो जाए। हमने ड्रम ले लिया, इसके बाद लोड सैंपल पर क्लिक करते हैं, एक स्नेल लगा लेते हैं, ठीक है। ये जैसे कि हम
स्नेर कुछ इस तरीके से लगानी है जैसे हमने जीएमएस लगाई है दोस्तों, ठीक है, चार तीन कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए अब सुनते हैं इसे, अब ये हमारी जो जीएमएस काफ़ी अच्छी तरीके से बज रही है, अब हमें इसे जीएमएस के तरीके से लगाते हैं। ये देखिए हमें इस तरीके से लगाना है दोस्तों, चार तीन, ठीक है। और एक यहाँ अब थोड़ा हम इसे एक बार सुनते हैं पैटर्न को, ये देखिए अब हमें ये भी एक कुछ इस तरीके से लगाना है, ठीक है दोस्तों, चार तीन कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये पैटर्न याद रखोगे, ये देखिए अब इसे किक के साथ बजाते हैं, ठीक है दोस्तों। हमें इसकी हल्की सी और आवाज़ कर लेनी है, देखिए अब मैं बताता हूँ इसके अंदर से आवाज़ कैसे बढ़ती है दोस्तों। मैं इसमें जाना है और यहाँ पर नीचे क्लिक कर देना है। अगर हम इस जीएमएस की एक की आवाज़ बढ़ाना चाहते हैं कोई से भी एक लूप की, तो हम इसे इस तरीके से कुछ ऊपर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर एक इसे ऊपर कर देते हैं, ये देखिए हम आपकी मर्ज़ी आप कितना ऊपर करना चाहो, ठीक है। और ये ऐसी एक इसे तो अब थोड़ा सुन लेते हैं, थोड़ा अलग तरीके का बजेगा। ये देखिए मैं सुना लेता हूँ इसे, अगर आप हेडफोन यूज़ कर रहे हो तो आपको फ़र्क यूज़ लग रहा होगा दोस्तों। ये देखिए देखिए जीएमएस के जो स्नेर है कितना फ़र्क पड़ता है इसे, ठीक है दोस्तों। अब हम इसमें आपको एक तरीका और बताएंगे, ये देखिए जो ईडीएम की तरह चलती है बेस लाइन, वो बताते हैं। इन्हें ऐसे करना है कुछ इस तरीके से, यहाँ कॉपी कर लेना है, ये देखिए इस तरीके से लगा देना और ये ऊपर, ठीक है दोस्तों। फिर सिंपल सा हमें ये सब कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देना आगे, ठीक है। तो हम इसी तरीके से इसे थोड़ा लंबा कर लेते हैं पैटर्न को, और ये देखिए अब सुनते हैं हम, ये बेस लाइन की तरह चल रहा है दोस्तों, ठीक है। और हम इसमें मास्टरिंग अपने जो पैटर्न है इसमें मास्टरिंग करते हैं दोस्तों। इसमें जो है हमें हाई बूस्ट मार लेना है हल्का सा, और क्या करना है दोस्तों इसमें हमें हार्ड करने के लिए ग्राफिक ले लेना है, ठीक है। ग्राफिक लेने के बाद ये देखिए सुनते हैं बस, हम इसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। और जो मास्टर है हम इसे मास्टर पे क्या करते हैं, इस पर भी दोस्तों हम हाई बूस्ट मार देते हैं थोड़ा, ये देखिए। दोस्तों मास्टर पे हाई बूस्ट मत मारना, ये सही नहीं चल रहा है, ये किसी किसी सॉन्ग में सही चलता है, ठीक है। अब ये देखिए जो हमारा किक का पैटर्न वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, ये देखिए। अब इसे हम हल्का हल्का इतना ही रहने देना है, ठीक है। जो इसकी क्लैप है उसके बाद हल्की हल्की मंदी कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा आवाज़ कर रही है ये सब, ये देखिए, ठीक है। और जीएमएस पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया, आप इस तरीके से इसे डिलीट करके आप इसे चला सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरीके से जीएमएस पैटर्न बना सकते हो दोस्तों। हाँ ये देखिए मेरे पे ये सब सैंपल हैं, अगर किसी भी भाई को सैंपल चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। ढोलक भी हैं, बेस लाइन, ब्रेक पर दोस्तों इन सैंपलों का चार्ज लगेगा, मेरे पर्सनल सैंपल है, ईडीएम किक वगैरह सब कुछ है दोस्तों, ट्रांस वगैरह सब कुछ है मेरे पास। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, अगर मुझसे पर्सनल मिक्सिंग सीखते हैं तो उसके साथ आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय भीम जय भारत।